पौड़ी ब्लॉक के अंतर्गत नशुणी गांव में जल जीवन मिशन के तहत खोली बिछी पेयजल लाइन अब ग्रामीणों के लिए मुसीबत का सबब बनती हुई नजर आ रही है। गांव का एक ग्रामीण मनबर सिंह पेयजल लाइन में उलझकर गिर गया और घायल हो गया, जिसके चलते घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय ग्रामीण रोबिन सिंह ने बताया कि इससे पूर्व भी कई लोग गांव में जल जीवन मिशन की पाइपलाइन में उलझकर गिर जाते हैं। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत बिछी पाइपलाइनों को भूमिगत करने की प्रशासन से मांग की है। इस संबंध में जल संस्थान के सहायक अभियंता जगदीश कंडेरी ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत कार्य भी चल रहा है और इस बात का उन्हें संज्ञान है और जांच पर इस पर कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। में जो है पेयजल जो लाइन है पिछले उसमें दो बार गिर गया, पाइप लाइन जो है तभी भी नहीं है, सब ऊपर रस्सा से ऊपर के उठी हुई है। सर, जल मिशन वालों की कमियां हैं जिन्होंने की पाइप तो लगाए, घर पे कनेक्शन दिए, बट दबाए नहीं। ठीक है, मेरा सरकार से भी और विभाग से भी निवेदन है इन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये दबाए नहीं। इनका दबान होना चाहिए था, वो दबान का पैसा खा चुके हैं ठेकेदार लोग जो भी है, ये गलत बात है। ठीक है, और जो व्यक्ति गिर रखा है उसका आगे पीछे कोई नहीं है। अभी जो हमारे निशणी गांव में काम चल रहा है उसमें मैंने अपने अधीनस्थ सभी जीओस को निर्देशित कर दिया है कि यहाँ पे कोई भी जल जीवन मिशन की पूरी गाइडलाइन ही ऐसी है कि कोई कहीं दुर्घटना की तो बात दूर है, पाइप की सुरक्षा और शुद्ध पेयजल के लिए आवश्यक है कि आप सभी लाइन को दबाएँ। कहीं पर भी अगर ऐसी स्थिति आती है और मेरे संज्ञान में ये चीज़ आती है तो उसका तुरंत निराकरण किया जाए।